दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 मैच के लिए मोहम्मद शमी के भाई की हुई टीम में एंट्री, तो पाकिस्तान के दिग्गज भी रह गए दंग। कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपका भी पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके दूसरे T20 मैच से पहले टीम के अंदर मोहम्मद शमी के भाई की एंट्री हो चुकी है, जिनके शामिल होने से पाकिस्तान के दिग्गजों के होश उड़ गए। इस दौरान वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी पैदा कर दी है। तो आखिरकार मोहम्मद शमी के भाई की भारतीय टीम में एंट्री होने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारतीय टीम के महान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को हाल ही में अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में सभी को प्रभावित किया था। लेकिन अब उनके भाई की दूसरे T20 मैच में एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें, मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि तेज गेंदबाजी करते दिखाई देते हैं, और ऐसे में अब उनकी एंट्री दूसरे T20 मैच के अंदर हो चुकी है, जिनमें शामिल होने के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने सनसनीखेज बयान दिया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी के भाई की टीम की एंट्री होने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जिस तरीके से शमी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए भारत को मजबूती दिलाने का काम किया, उस तरीके से मोहम्मद शमी का भाई भी भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शमी के भाई ने अपने प्रदर्शन के जरिए घरेलू क्रिकेट में सभी को प्रभावित किया और वो एक सच्चा मुसलमान है, जिसके चलते वो अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश को मजबूती दिलाने का काम करेगा। ऐसे में अगर दूसरे T20 मैच के अंदर मोहम्मद शमी के भाई की एंट्री होती है तो उससे ज्यादा खुशी पाकिस्तान की टीम को रहेगी। तो वहीं इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी के भाई को टीम के अंदर खेलने का मौका मिला है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि शमी के भाई को टीम के अंदर जगह मिल जाए, क्योंकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रभावित किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शमी के भाई का हमेशा से अच्छा प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में देखने को मिला है। ऐसे में अगर मोहम्मद शमी की तरह मोहम्मद शमी का भाई भी अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा तो शायद वो भी दुनिया में अपने भाई की तरह नाम कमा पाएगा। लेकिन अगर शमी के भाई को भारत मौका नहीं देता है तो हम उन्हें पाकिस्तान की टीम से खेलने का ऑफर प्रदान करते हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से शमी के भाई को दूसरे T20 मैच में खेलने का मौका मिलने वाला है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि भारत बिल्कुल भी राजनीति नहीं करता है और किसी एक खिलाड़ी के अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उसके भाई को भी मौका दे सकता है। हालांकि यहां पर उन्होंने परिवारवार की बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसके भाई को भी बिना समय गंवाए टीम मौका देती है, जो कि काफी अच्छा फैसला है BCCI का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शमी के भाई को खेलता देख मैं काफी ज्यादा खुश हूं, मैं चाहता हूं कि शमी की तरह उनका भाई भी अच्छा प्रदर्शन कर अपना नाम ऊंचा करे। वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि शमी के भाई को दूसरे मैच के अंदर मौका देने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई और टीम शमी के भाई को मौका भी दे सकती थी, लेकिन शमी के भाई को मिले मौके के बाद मैं काफी खुश हूं, मैं चाहता हूं कि वो भी अपने भाई की तरह भारत का नाम ऊंचा करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शमी का भाई भी एक सच्चा मुसलमान है और वो अपने देश के लिए गद्दारी नहीं करेगा और अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई देगा, लेकिन अगर भारतीय टीम दूसरे मैच में इनको मौका नहीं देती है तो वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से भी खेलने का मौका हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवम दुबे और रिंकू सिंह को खतरनाक युवा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह पर आया भारतीय दिग्गजों का बयान। वर्ल्ड कप में खिलाने की मांग कर किया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को पहले T20 मैच में जीत मिली है, जिसके बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह की तारीफ हर कोई कर रहा है। इस दौरान भारतीय दिग्गजों ने दोनों की तारीफ कर बड़ा बयान जारी किया है। इस बीच गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी ने शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों की तारीफ कर वर्ल्ड कप में शामिल करने हेतु एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह को लेकर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली है। इस दौरान भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर अफगानिस्तान को 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोका और उसका पीछा कर 17.3 ओवर में मैच को अपने नाम किया, जिसके हीरो शिवम दुबे रहे जिन्होंने 60 रन का योगदान दिया। ऐसे में शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन को देख भारतीय गेंदबाजों ने दोनों की तारीफ करते हुए T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने हेतु बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में शिवम दुबे का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। शिवम दुबे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है, ऐसे में उनको आप वर्ल्ड कप के अंदर शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास बेहतर बल्लेबाजी करने की तो काबिलियत मौजूद है, लेकिन अगर वो अपनी गेंदबाजी के अंदर काफी ज्यादा मजबूती कायम कर लें तो उनको वर्ल्ड कप में शामिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे में शिवम दुबे अगर वर्ल्ड कप टीम के अंदर शामिल होते हैं तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास इस समय काफी कम तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर मौजूद हैं, जिसके चलते भारत को दिक्कत होती है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में जीत दर्ज की है, जिसके हीरो शिवम दुबे रहे हैं। हालांकि रिंकू सिंह ने भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और भारत को मजबूत दिलाने का कार्य भी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में दोनों को वर्ल्ड कप टीम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद है, तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह के पास बेहतरीन प्रदर्शन करने की काबिलियत मौजूद है, जो काफी समय से देखने को मिल रही है। ऐसे में दोनों को वर्ल्ड कप टीम में शामिल जरूर करना चाहिए। तो वहीं कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में जीत हासिल कर सभी को प्रभावित किया है। इस मैच में जीत के हीरो कई खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने बता दिया है कि भारतीय टीम के लिए उनका बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा जरूरी था। भारतीय टीम के लिए उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की कमी को महसूस नहीं होने दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे जिस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से सभी को प्रभावित करते हैं, उसी तरीके से हार्दिक पांड्या भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर इनको वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए तो ये भारत के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अकेले के दम पर टीम को जीत दिलाने का कार्य कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास टीम को स्थिति के अनुसार संभालने की जिम्मेदारी करने का दायित्व पता है, साथ में समय आने पर बेहतर प्रदर्शन करने और टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी के बारे में भी पता है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में शामिल कर भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूती हासिल कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से शिवम दुबे और रिंकू सिंह अगर दोनों आगे भी इस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे तो शायद भारतीय टीम को इस सीरीज के अंदर ही नहीं बल्कि सभी सीरीज के अंदर जीत मिलेगी। ऐसे में इन दोनों को T20 टीम में शामिल करने से भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।